Good morning, students. Today we are here with another topic of political science, chapter number 7, the rise of popular movements. Student, previous video में कुछ movements हमने study किए थे, mainly उसमें जो BKU है, भारतीय किसान यूनियन से related movement हमने study किया था. BKU जो organization बना, जो यूनियन थी किसानों से related, उसका effect इंडिया के बहुत सारे parts में काफ़ी हुआ. और इस ऑर्गेनाइजेशन का इफ़ेक्ट हमारे जो फ़िश वर्कर्स थे, यानी कि जो इंडिया में मछुआरे थे, उनके ऊपर भी हुआ. और किस तरीके से उन्होंने अपने लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, तो वो हम इसमें स्टडी करते हैं. देखिए, इंडिया का जो रैंक है, डू यू नो दैट द इंडिया फिशर्स कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंड लार्जेस्ट फिशिंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. इंडिया में यानी जो मछुआरे आते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर आते हैं. हमारे जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल एरियाज़ हैं, उसमें बहुत सारी हज़ारों फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनका मेन जो ऑक्यूपेशन वो क्या है, वो फ़िशिंग है. दीज फिश वर्कर्स लाइव्स वर थ्रेटन. अब जो ये फ़िश वर्कर्स हैं, इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई. प्रॉब्लम्स किसकी वजह से क्रिएट हुई? क्योंकि गवर्नमेंट परमिटेड एंट्री टू मैकेनाइज ट्रोलर्स एंड टेक्नोलॉजीज लाइक बोटम ट्रैवलिंग फॉर लार्ज स्केल. देखिए, गवर्नमेंट ने कुछ परमिशन दी कि जो ट्रॉलर्स, मैकेनाइज ट्रॉलर्स की जाए, यानी कि जो मछली निकालने का जो काम होता है, मछली पकड़ने का जो काम होता है, बॉटम ट्रॉलिंग मतलब कि जो समुद्र की गहराई से होता है, वो मैकेनाइज्ड हो, एक तरह से मशीनों से किया जाए. तो फॉर लार्ज स्केल हार्वेस्ट ऑफ फिश इन इंडियन सीज, मतलब कि जो इंडिया में जो फिश हार्वेस्टिंग वर्क होता है लार्ज स्केल में, उसमें एक तरह से मैकेनाइज्ड वर्क उसको कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा. थ्रू आउट द 70s and 80s लोकल फिश वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी अब इस चीज़ को, अब ये प्रॉब्लम किसके लिए थी? ये ऑब्वियस है, ये फिश वर्कर्स के लिए थी, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड उसी पे डिपेंड थी. थ्रू आउट द 70s and 80s लोकल फिश वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन फोर्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट. अब बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनने शुरू हो गए फिश वर्कर्स के, और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने ये लड़ाई लड़ी, क्योंकि ये इशू किसका था? उनकी लाइवलीहुड का था, उनकी आजीविका का था. देखिए, जो फिशरीज़ है, यानी जो मछली पालन है एक तरह से, वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी वो राज्य सूची के अंदर आता है. तो जो वर्कर्स हैं वो मोबिलाइज सिर्फ रीजनल लेवल पे हुए, क्योंकि एक स्टेट से बिलोंग करता है, तो ऑब्वियस है वो अपने रीजन में ही इसको जो मोबिलाइज होंगे, इकट्ठे होंगे. विद द कमिंग ऑफ पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी इंडिया की गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की, इसका इफेक्ट हर सेक्शन पे हुआ है. अराउंड मिड 80s दीज ऑर्गेनाइजेशन वर कम्पेल्ड टू केम टुगेदर. अब ये जितने ऑर्गेनाइजेशन थे जो रीजनल लेवल पे थे, अब ये सभी ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा हो गए, इनको एक नेशनल प्लेटफॉर्म मिल गया, और इसका नाम था NFF और नेशनल फिश वर्कर्स फोर्म्स. फिश वर्कर्स फ्रॉम केरला टुक द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मोबिलाइजिंग फेलो वर्कर्स. अब जो केरला में जो फिश वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन था, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो सभी को मोबिलाइज करेंगे, जिसमें कि वुमेन वर्कर्स को भी इंक्लूड किया गया फ्रॉम अदर स्टेट. वर्कर्स ऑफ द NFF कंसोलिडेटेड व्हेन इन 1991 इट फोट इट्स फर्स्ट लीगल बैटल विद द यूनियन गवर्नमेंट. अब इसकी जो सफलता मानी जाती है, वो तब मानी जाती है जब 1991 में इसने अपनी फर्स्ट कानूनी जो लड़ाई गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ी. दिस वॉज अबाउट द गवर्नमेंट्स डीप सी फिशिंग पॉलिसी दैट, क्योंकि ये गवर्नमेंट की, ये किसके अगेंस्ट था? गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, डीप सी फिशिंग पॉलिसी दैट ओपन्ड अप इंडिया वाटर टू लार्ज कमर्शियल वेसल्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ द मल्टीनेशनल फिशिंग कंपनीज. कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था कमर्शियल पर्पज से, जो फिशिंग का किया था, ये उसके अगेंस्ट लड़ाई थी. थ्रू आउट द 90s द NFF फोट वेरियस लीगल एंड पब्लिक बैटल. इस टाइम पर जो NFF है, उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी, लीगल और पब्लिक बैटल मतलब कई लड़ाइयाँ लड़ी गवर्नमेंट के साथ. इट वर्क टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु, ये किसके लिए था, ये किसके प्रोटेक्शन के लिए था? ये उन लोगों के प्रोटेक्शन के लिए था जो मेनली जिनका काम फिशिंग था, यानी उनकी सब्सिस्टेंस, उनका जो आजीविका है, उनकी जो निर्वाह है, वो सिर्फ फिशिंग से हो रहा था, रादर देन दोज हु, ये उनके अगेंस्ट था जो मतलब इस सेक्टर में प्रॉफिट के पर्पज से आए थे. NFF कॉल्ड फॉर अ नेशनल, इसके लिए NFF ने क्या किया, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम ने क्या किया, एक नेशन वाइड स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज किया टू अपोज द मूव ऑफ गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस फॉर, ताकि गवर्नमेंट जो है वो लाइसेंस जो फॉरेन ट्रोलर्स हैं उनको लाइसेंस प्रोवाइड ना कराए. द NFF ज्वाइन हैंड्स विद ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ साथ जो NFF है, उसने ना केवल इंडिया में अपने ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर किए, बल्कि वर्ल्ड के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे उनके साथ भी एक तरह से हाथ मिलाया, ताकि वो फिश वर्कर्स को प्रोटेक्शन दे सके.
नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा जो मेन मूवमेंट आज हम स्टडी करेंगे इसमें वो है एंटी अरैक मूवमेंट। एंटी अरैक मूवमेंट का मतलब है ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी मीन्स क्या है? ताड़ी मीन्स यहाँ पर है जो शराब की बिक्री से रिलेटेड है ये, और ये साउथ मेनली जो इंडिया के साउथ में से रिलेट करता है ये मूवमेंट। ये बहुत बड़ा मूवमेंट है और इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादातर औरतों का रहा है। तो देखिए जब नॉर्थ पार्ट में जब BKU यानी कि जो भारतीय किसान यूनियन मोबिलाइज हो रहा था, इसी तरह के जो और बहुत सारे जो मोबिलाइजेशन हैं वो हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर हो रहे थे, यानी कि सदर्न स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में इस तरह के जो मूवमेंट्स हैं वो शेप ले रहे थे। इट वाज़ ए स्पॉन्टेनियस मोबिलाइजेशन ऑफ वुमेन। ये नेचुरली एक मोबिलाइजेशन था, ये वुमेन का मोबिलाइजेशन था जिसमें उनकी डिमांड क्या थी, अ बैन ऑन द सेल ऑफ एल्कोहल इन देयर नेबरहुड्स, कि जो उनके पड़ोस में जो शराब की बिक्री हो रही है ये उस पर बैन लगाने से रिलेटेड ये मूवमेंट था। स्टूडेंट ये न्यूज़ दी हुई है आपकी बुक में, मतलब जो न्यूज़पेपर होते थे वहाँ पर ये न्यूज़ हर रोज मतलब किसी न किसी गांव से रिलेट करती थी और शराब से रिलेटेड ये न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर में आती थी। तो ये इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं, इस तरह की स्टोरीज ऑफ दिस काइंड अपीयर्ड इन द तेलुगु प्रेस ऑलमोस्ट डेली ड्यूरिंग द 2 months सेप्टेम्बर और अक्टूबर 1992 में, यानी 2 महीने तक इस तरह की स्टोरीज जो है हर न्यूज़पेपर में आ रही थी। सिर्फ गांव का नाम उसमें चेंज हो जाता था लेकिन स्टोरी जो है वो सेम रहती थी कि किस तरीके से जो शराब की बिक्री हो रही है, किस तरीके से औरतों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, इस तरीके की जो न्यूज़ है वो डेली न्यूज़पेपर में आ रही थी। रूरल वुमेन इन रिमोट विलेजेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश फोट अ बैटल अगेंस्ट एल्कोहलिज्म। जो गांव की औरतें थी आंध्र प्रदेश स्टेट में, जो गांव की औरतें थी उन्होंने अल्कोहलिज्म के अगेंस्ट एक युद्ध लड़ा, अगेंस्ट माफियाज और इससे जुड़े हुए जो माफियाज हैं यानी कि जो ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेसमैन रहे हैं, एंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और इवन इसमें जो गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट थी उसके अगेंस्ट भी ये लड़ाई थी ड्यूरिंग दिस पीरियड। दीज एगेशन शेप्ड वट वॉज नोन एज द, और ये जो एगेशन है ये एंटी अराक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए अब इसका ओरिजन देख लेते हैं। इन अ विलेज इन द इंटीरियर ऑफ दुबनगुटा इन नेलोरी डिस्ट्रिक्ट, ये आंध्र प्रदेश के नेलोरी डिस्ट्रिक्ट के दुबनगुटा गांव की स्टोरी है। व्यूमेन हैड एनरोल्ड इन एडल्ट लिटरेसी ड्राइव ऑन अ लार्ज स्केल इन द अर्ली 1990s। देखिए स्टूडेंट 90s में क्या था, जो इंडिया में प्रौढ़ शिक्षा शुरू हुई थी, जो एडल्ट लिटरेसी ड्राइव चला था, मतलब एक तो उसमें क्या था, लोगों का जो औरतों का जो पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी था, मतलब एनरोल्ड हो रही थी औरतें, उसमें जुड़ती जा रही थी। इट इज़ ड्यूरिंग द डिस्कशन, अब जो क्लास होती थी उसमें जो डिस्कशन का टॉपिक यही होता था कि जो अल्कोहल है वो उस अल्कोहलिज्म है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है और जो इसकी जड़ें हैं, अल्कोहलिज्म हैड टेकन डीप रूट्स अमंग द विलेज पीपल एंड वॉज रुइन देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। मतलब जो अल्कोहलिज्म इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, गाँव के लोग इतने ज़्यादा उससे जुड़ रहे हैं कि ये फिजिकली और मेंटली उनकी हेल्थ को ख़राब कर रहा है। इट अफेक्टेड द रूरल इकोनमी ऑफ द रीजन अ ग्रेट डील, मतलब ये जो गाँव की जो इकोनमी थी उसको भी बहुत बुरे तरीके से ख़त्म कर रहा है। इनडेपेंडेंस मतलब कि जो कर्ज है वो बढ़ते जा रहे हैं विद इंक्रीजिंग स्केल ऑफ कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल का जो कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा गांव के लोग कर रहे हैं, स्पेशली जो मैन कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि वो जॉब से एब्सेंट हो रहे हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो एल्कोहल के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो ट्रेडर हैं, जो इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, वो इससे अलावा और भी जो दूसरे तरह के जो अपराध हैं, जो क्राइम हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। प्लस वो ये जो अरैक है यानी जो शराब का काम है, इसमें अपनी मोनोपोली को बनाना चाहते हैं। वुमेन वर द वर्स्ट सफर्स ऑफ दीज इल इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल। अब जो इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन थी, वो थी वुमेन, क्योंकि औरतें इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी। तो इसलिए प्रोटेस्ट कौन कर रहा था सबसे ज़्यादा इसका, औरतें कर रही थी। एज इट रिजल्टेड इन द कोलैप्स ऑफ द फैमिली इकोनॉमी, क्योंकि देखिए इससे क्या हो रहा था, एक तो फैमिली की इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो रही थी, ख़त्म हो रही थी, और जो औरतें हैं वो बियर द ब्रंट ऑफ वॉयलेंस, जो वॉयलेंस है उसमें भी एक तरह से जल रही थी, यानी बहुत बड़ी वॉयलेंस को भी वो फेस कर रही थी फ्रॉम द मेल, स्पेशली जो मेल कैंडिडेट हैं फैमिली के, उनसे स्पेशली उनके जो हस्बैंड होते थे। वुमेन इन नेलोरी केम टुगेदर इन स्पॉन्टेनियस लोकल इनिशिएटिव टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अराक एंड फोर्स क्लोजर ऑफ द वाइन शॉप।
अब जो नेलोरी की औरतें हैं वो इकट्ठा हुई, जो लोकल इनिशिएटिव्स थे उनको उनको लेकर वो इकट्ठा हुई और उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया और इससे क्या हुआ कि वहाँ पे जो वाइन शॉप थी उनको उन्होंने बंद कराया। अब ये न्यूज़ जो थी ये आसपास के सभी गाँव में फैल गई और 5000 विलेजेस गोट इंस्पायर्ड, इससे लगभग 5000 जो गाँव है वो इंस्पायर्ड हुए एंड मेट टुगेदर इन मीटिंग और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, पास रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन पास किया फॉर इम्पोजिंग प्रोहिबिशन, ताकि कि वो प्रोहिबिट करें जो शराब की बिक्री वहाँ पर हो रही है उसको बंद करे एंड सेंड देम टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और उसको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेज दिया। द अरैक ऑक्शंस इन नेलोरी, और ये इस तरह का प्रोटेस्ट था कि नेलोरी डिस्ट्रिक्ट में 17 बार मतलब अरैक की यानी शराब की ऑक्शन हुई, नीलामी हुई, उसको पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि मूवमेंट जो है वो काफ़ी फैल चुका था और मूवमेंट का इफेक्ट जो है वो काफ़ी हो रहा था। दिस मूवमेंट इन नेलोरी डिस्ट्रिक्ट स्लोली स्प्रेड ऑल ओवर द स्टेट। अब जो ये मूवमेंट था नेलोरी डिस्ट्रिक्ट से निकल कर ये पूरे जो स्टेट है उसमें फैल गया। अब जो मेन स्लोगन था एंटी अरैक मूवमेंट का वो बहुत ही सिंपल था, प्रोहिबिशन ऑन द सेल ऑफ अरैक की जो शराब की बिक्री है उसको बंद किया जाए। बट दिस सिंपल डिमांड टच्ड अपॉन लार्जर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लेकिन ये शराब का जो मूवमेंट था इसने ना केवल इसका विरोध किया बल्कि औरतों से जुड़े हुए और भी बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो मुद्दे होते हैं उनको इसने उठाया। द रीज़न दैट अफेक्टेड वुमेन्स लाइफ, जिससे कि औरतों की लाइफ जो है वो इफेक्ट होती है। अ क्लोज नेक्सस बिटवीन क्राइम एंड पॉलिटिक्स वॉज एस्टैब्लिश अराउंड द बिजनेस ऑफ अरैक। स्टूडेंट जो बिजनेस था अरैक का, जो बिजनेस था क्राइम और जो अपराध था उसके बीच में और जो पॉलिटिक्स है उनके बीच में एक क्लोज रिलेशन था एक तरह से, क्योंकि देखो जो अपराधी थे यानी जो माफिया थे वो गवर्नमेंट से मिले हुए थे, अब वो इसका बिजनेस कर रहे थे, प्लस गवर्नमेंट को शराब से ज़्यादा टैक्स मिलता था, मतलब गवर्नमेंट जो है वो शराब से ज़्यादा ह्यूज रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। अब गवर्नमेंट का इसमें फ़ायदा था तो गवर्नमेंट भी इसको बैन नहीं कराना चाहती थी। बाय वेज ऑफ टैक्सेस इम्पोज ऑन द सेल ऑफ अरैक एंड वॉज देयरफॉर नॉट विलिंग टू इम्पोज अ बैन, इसलिए जो गवर्नमेंट भी इसको इम्पोज नहीं करना चाहती थी, इसको बंद नहीं करना चाहती थी। ग्रुप्स ऑफ लोकल वुमेन ट्राई टू एड्रेस दीज कॉम्प्लेक्स इशूज इन देयर एगेशन अगेंस्ट अरैक्स, दे ऑल्सो ओपनली डिस्कस द इशू। अब स्टूडेंट केवल अरैक का टॉपिक ही वहाँ पे जो है डिस्कस नहीं किया जाता था बल्कि ओपनली अब जो अदर इशूज थे जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो इशूज है उनको भी ओपनली डिस्कस किया जाने लगा। देयर मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस प्राइवेट इशूज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अब ये मूवमेंट में ऐसा फर्स्ट टाइम था कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिसमें कि औरतों से जुड़े हुए जो प्राइवेट इशूज हैं वो भी डिस्कस किए जाने लगे, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस। थस द एंटी अरैक मूवमेंट ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ द व्यूमेन मूवमेंट्स, इसलिए जो एंटी अरैक मूवमेंट है वो व्यूमेन मूवमेंट का एक पार्ट बन गया, यानी कि जो औरतों से रिलेटेड जो भी डिमांड थी वो सारे इशूज थे जो भी उनके ऊपर जिस तरह का व्यवहार जो होता था, जिस तरह की प्रॉब्लम्स जो औरतें फेस कर रही थी, ये सारी चीज़ें भी इस मूवमेंट का पार्ट अब बन चुकी थी। अर्लियर वुमेन्स ग्रुप वर्किंग ऑन इशू ऑफ डोमेस्टिक, देखिए जो पहले इशूज़ होते थे डोमेस्टिक वायलेंस के लगाओ, कस्टम ऑफ डोरी दहेज से लगाओ, सेक्सुअल अब्यूज़ से लगाओ, ये जो है ये पब्लिक प्लेसेस पे मतलब इस तरह के डिस्कशन नहीं होते थे और मेनली अगर होते भी तो थे सिर्फ अर्बन मिडिल क्लास वुमेन से रिलेटेड होते थे। हमारे जो देश में जो रूरल विलेज में रहने वाली जो औरतें हैं उन के इशू को इस तरीके से अराइज नहीं किया जाता था, एक प्लेटफॉर्म नहीं था उनके पास। तो कहने का मतलब है कि एंटी अरैक मूवमेंट ने जो गांव की औरतें थी उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि वो अपने जो प्राइवेट इश्यूज हैं उनको भी ओपनली डिस्कस कर सके। देयर वर्क लेड टू अ रियलाइजेशन दैट इश्यूज ऑफ इनजस्टिस टू वुमेन, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये जो मूवमेंट था, इसने ये रियलाइज करा दिया कि जो इनजस्टिस इशू है, जो इनजस्टिस टू वुमेन यानी जो औरतों के साथ अन्याय के जो इशूज है, एंड ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज और जो लैंगिक इनइक्वालिटीज के जो इशू है वर कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर की, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ड्यूरिंग द डेकेड्स ऑफ द 80s वुमेन एंड आउटसाइड, देखिए पहले जो ये इशू होते थे 80s के टाइम में, ये इशू जो है फैमिली के अंदर ही मतलब डिस्कस किए जाते थे, बाहर नहीं डिस्कस किए जाते थे। दिस ग्रुप रैन ए कैंपेन अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ डोरी, अब ये जो ग्रुप है इसने मतलब इस तरह की जो कैंपेनिंग वो शुरू कर दी, जैसे कि जो डोरी सिस्टम है उसके अगेंस्ट, एंड डिमांडेड पर्सनल एंड प्रॉपर्टी लॉज बेस्ड ऑन नॉर्म्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी, और जेंडर इक्वालिटी और डिमांड की कि पर्सनल और प्रॉपर्टी लॉज की जो व्यक्तिगत और जो संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड जो है वो कानून बने और जेंडर इक्वालिटी एक तरह से वो एस्टैब्लिश हो।
These campaigns contributed a great deal in increasing overall social awareness about women question. इस तरीके के जो campaigns थे उन्होंने contribute किया जिससे कि all over social awareness जो है वो फैल गई about women question. औरतों से लेकर जो भी सामाजिक एक awareness थी वो increase हुई. Focus of the women's movement gradually shifted from अब जो women इस focus of the women movement gradually shifted from legal reforms to open social confrontation like the one we discussed above. कहने का मतलब है अब जो औरतों से related इस movement के बाद क्या हुआ, औरतों से related जो issue थे, जो legal reforms थे, वो अब मतलब open हो गए, एक तरह से खुल गए और एक सामाजिक टकराव जो है वो दिखाई देने लगा. कन्फ्रंटेशन होता है एक टकराव दिखाई देने लगा, जैसा कि हम पहले अब डिस्कस कर चुके हैं कि जो इश्यूज थे वो अब मतलब ये नहीं थे कि उनको प्राइवेट रखा जाए बल्कि वो ओपनली अब डिस्कस किए जाने लगे. एज अ रिजल्ट द मूवमेंट मेड डिमांड्स ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन. ऑफ एक इंस्पिरेशन मिली इससे और क्या हुआ कि डिमांड की जाने लगी इस मूवमेंट के थ्रू रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन पॉलिटिक्स की. पॉलिटिक्स में औरतों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़े. जैसा कि हम जानते हैं 73rd और 74th अमेंडमेंट जो हमारे देश में हुए हैं, 1992 और 93 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसमें जो है रूरल एरियाज पे रिजर्वेशन दी गई. डिमांड्स फॉर एक्सटेंडिंग, अब ये रिजर्वेशन इसको एक्सटेंड किए जाने की डिमांड की जाने लगी कि स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी औरतों को जो है वो रिजर्वेशन दिया जाए. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐसा हो, एक बिल पास किया जाए जिसमें कि रिजर्वेशन जो है दी जाए. लेकिन अब तक जो है पार्लियामेंट में अब तक इस तरह का जो रेजोल्यूशन है हमारे देश में, यानी इस तरह का जो बिल है वो हमारे देश में अभी तक पास नहीं हो पाया है, लेकिन डिमांड आज भी इसकी इस तरीके की हो रही है. उसके बाद है स्टूडेंट, अब इसी में से इस मूवमेंट में से ही कुछ औरतों ने डिमांड की, इस ग्रुप की कुछ औरतों ने डिमांड की कि एक सेपरेट कोटा हो, एटलीस्ट जो दलित और ओबीसी व्यूमेन है एटलीस्ट उनके लिए एक सेपरेट कोटा हो पॉलिटिकल हायर पॉलिटिकल ऑफिसेज में, यानी कि पॉलिटिक्स में उनकी रिजर्वेशन हो. अगर मतलब पूरी तरीके से रिजर्वेशन ना हो तो कम से कम दलित और ओबीसी वुमेन है उनको रिजर्वेशन यानी वुमेन कोटा जो है वो जरूर मिले. राजनीति में उनका पार्टिसिपेशन कुछ ना कुछ तरीके से होना चाहिए. तो स्टूडेंट आई होप ये दोनों टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे. एंटी रैक मूवमेंट जो औरतों से रिलेटेड था, मेनली शराब से रिलेटेड था, लेकिन औरतों का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज़्यादा रहा और इसके साथ जो है औरतों के अदर जो इश्यूज़ होते हैं वो भी काफ़ी उठे. और हमने एक छोटा सा टॉपिक जो है वो फ़िश वर्कर्स से रिलेटेड हमने स्टडी किया है. एक हमारा जो मूवमेंट है वो इसमें रह गया है. नेक्स्ट हमारा जो इसमें एक लास्ट मूवमेंट है वो रह गया है नर्मदा बचाओ आंदोलन. ये जो नर्मदा रिवर है उससे रिलेटेड एक आंदोलन है, ट्राइबल्स का ये एक आंदोलन रहा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे. ये हमारा एक एनवायरमेंटल मूवमेंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. थैंक यू सो मच.